ये आज हम देखते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत इंडेक्स तैयार करना। इंडेक्स जब डॉक्यूमेंट हमारा बहुत बड़ी साइज में हो तब इंडेक्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रखती है, जिसका प्रयोग हमने बुक्स में देखा है कि हम इंडेक्स का प्रयोग करके पर्टिकुलर जिस पेज पर वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। तो वर्ड के अंतर्गत क्योंकि वर्तमान समय में डिजिटल डिवाइसों का ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं और ऐसी स्थिति में खासतौर पर जब एमएस वर्ड की बात आती है तो उसके अंतर्गत या एमएस वर्ड को छोड़ दें या वर्ड की बात करें तो उसके अंतर्गत जब हम कोई भी डेटा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसमें इंडेक्स की आवश्यकता हो तब हम कैसे उसका प्रयोग करें। जब डॉक्यूमेंट हमारा छोटी मात्रा में हो जैसे एक या दो पेज का होगा तो हमें इंडेक्स की आवश्यकता बहुत कम लगना है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट की साइज पेजेस की साइज ज़्यादा मात्रा में हो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत 50-100 पेज 200 या 500 पेज हैं तो हमें कहीं ना कहीं इंडेक्स की आवश्यकता लगती है। अभी तक हमने इसके पहले बिबलियोग्राफी और क्रॉस रेफरेंस वगैरह समझा था, आज हम देखते हैं इंडेक्स का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इंडेक्स का प्रयोग करने के लिए तो हमारा जो इंडेक्स होता है वो जो है कि टॉप में भी हो सकता है या बॉटम में भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं बुक के बहुत सारे बुक में आपको फर्स्ट में मिलता है, बहुत समय लास्ट में मिलता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट में इंडेक्स इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्क एंट्री को क्लिक करेंगे और उसके पहले भी सॉरी पहले हमें जिसका इंडेक्स बनाना है, जैसे हमें इस पैराग्राफ का इंडेक्स बनाना है एमएस ऑफिस 2007, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री को क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, सेलेक्ट करने से वो डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसकी सब एंट्री यदि हमें इन्फॉर्मेशन उसकी देना है तो हमने सब एंट्री में उसको डाल दें इन्फो। तो सब एंट्री जो है कि मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन उससे चाहें तो रिलेटेड आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर करंट पेज का रखना है, पेज नंबर क्रॉस रेफरेंस का रखना है, तो मैं करंट पेज का ही हम इंडेक्स तैयार करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो हम हेडिंग्स दे रहे हैं, डेटा हमने दिया है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद मार्क को क्लिक करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक इंडेक्स तैयार हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का ये पहले से लिखा होता और अभी हमारा ये क्रिएट हुआ है, इतना डेटा ऐसा कैसा हो गया है और इसमें आ रहा है इन्फो। चलिए अगला हम पॉइंट बना लेते हैं, इस प्रकार के इंडेक्स पॉइंट को जो हम बना करके चलते हैं प्रत्येक पेज के। ये हमारा कंटेंट्स है तो हम कंटेंट का एक अलग इंडेक्स तैयार करते हैं। तो कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री में जाएंगे और कंटेंट का यदि हमें सब हेडिंग डालना है तो सब एंट्री हम डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो हम ओके करेंगे। बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन यहाँ पर है और मार्क को क्लिक करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद हम और भी इंडेक्स इस प्रकार के तैयार कर लेते हैं, जैसे डेवलपमेंट हमें रखना है पॉइंट, तो डेवलपमेंट को सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री को किया, डेवलपमेंट इन्फो हम यहाँ पर दे देते हैं और बोल्ड करना है तो रख सकते हैं, उसको चेक लगा सकते हैं, मार्क करेंगे। फिर अगला हम फिर पॉइंट लेते हैं सर्विस पैकेज, तो हम सर्विस पैकेज को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ सर्विस पैकेज को एडिट हो गया यहाँ पे सेलेक्ट, तो हम सर्विस पैकेज को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद वही मार्क एंट्री को क्लिक करेंगे और मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। एडिशन हमें रखना है तो हम एडिशन को रखेंगे, मार्क एंट्री को क्लिक करेंगे और मार्क करेंगे, क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से हमने चार पांच यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किए। अब हमें इंडेक्स को इंसर्ट करना है, इसके बाद हम जहाँ भी रखना चाहते हैं जैसे टॉप में हम इंडेक्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इंसर्ट इंडेक्स ऑप्शन है। अब यहाँ पर जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें कैटेगरीज दे रखी है और ये फॉर्मेट यहाँ पर ऑप्शन है कि किस फॉर्मेट में आप इंडेक्स को रखना चाहते हैं, है ना। तो क्लासिक है, मॉडर्न है, फैंस है, बुलेटेड है, जो भी आप रखना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए। और कितने कॉलम का रखना चाहते हैं, एक ही कॉलम में एक लाइन सीधे में आ जाए या डबल कॉलम में आए, एक पेज में दो भागों में डिवाइड होता है, आपने देखा होगा तीन भागों में भी डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर अभी वन कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे। ये देखेंगे कि आप प्रत्येक का यहाँ पर ए टू जेड क्रम में ये इंडेक्स आ चुका है ना।
किस पेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट डेटा है वो यहाँ पर दर्शा रहा है, साथ ही साथ हमने उसका कैप्शन सेलेक्ट किया था तो वो यहाँ पर आ गया। साथ ही साथ ये हाइफन मार्कअप है, ये आपको इंसर्ट सॉरी आप जब होम के अंदर जाते हैं ये मार्कअप है, यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट क्लिक करें, हटाना चाहते हैं तो इसे ऑल क्लिक कर दीजिए तो ये डेटा आपका हट जाएगा यहाँ से। अब आप देख पा रहे हैं कि इंडेक्स यहाँ पर ए टू जेड क्रम में बन गया है। तो ई से एडिशन पे जाएंगे तो ये फोर्थ पेज पर है, तो हम अब क्या करेंगे, हमें फोर्थ पेज पे पहुँचना है। ये बात पता चल गया हमारा किस पेज पर डाटा है, अब फोर्थ पेज पर, तो हम कंट्रोल जी करेंगे, यहाँ पर गो टू को क्लिक करेंगे, पेज आ गया ऑटोमेटिक, फोर्थ नंबर डालेंगे, एंटर कर देंगे। अब देखेंगे कि इंडेक्स एडिशन वाले ऑप्शन पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार से इंडेक्स बना लेने के बाद आप इजीली उस पेज पर आसानी से पहुंच जाएंगे। अगला, इसके बाद यदि बाय द वे आपने बना लिया इंडेक्स और उसमें और भी ऐड करना है आपको इंडेक्स को, तो आपको क्या करना होगा कि उस इंडेक्स को क्रिएट करना होगा। जैसे सर्विस पैक हमने बना लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे द बीटा से सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं ये एग्जाम्पल के लिए। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, इंडेक्स एंट्री में जाएंगे, द बीटा हमने सेलेक्ट किया है, बोल्ड करना, इटैलिक करना है और मार्क को क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका क्लोज कर देंगे। अब हमारा एक इंडेक्स तो तैयार हो गया है, लेकिन उस इंडेक्स में ये नहीं आएगा। तो इसको लाने के लिए आप क्या करें कि इंडेक्स वाले सेक्शन में जाएं, जहाँ पर आपका इंडेक्स क्रिएट है। जैसे आप इस सेक्शन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अपडेट इंडेक्स एक्टिवेट हो गया है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो आपने नया द बीटा बनाया था वो इसमें अपडेट हो जाएगा, और किस पेज पे आ रहा है, किस पेज पे आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इंडेक्स का प्रयोग करके बहुत आसानी से कोई भी डेटा आप फाइंड कर पाएंगे और उसका यूज़ आप कर पाएंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस सीरीज को अच्छे से सीख सकें और जो है कि उसका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत कर सकें। धन्यवाद।